ऑर्चिड में जाके स्पेशली स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया गया, क्या कहेंगे? एक तरफ तो कश्मीर की एक पिक्चर पिछले दिनों में लोगों ने देखी है कि टंगडार, पुलवामा, टुलेल से लेके लालचौक तक तिरंगा ही तिरंगा, डल लेक में भी तिरंगा और तिरंगा यात्रा, तिरंगा सेलिब्रेशंस। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से शिकंजा कसा गया हुआ है आतंकवादियों पे, एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ आतंकवादी ढूंढ के मार गिराए गए हैं, इनके टोटल हवाला चैनल्स, इन्फॉर्मेशन चैनल्स या जितने भी रूट्स हैं उनके प्लग किए गए हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं एक कोशिश है इस पीस प्रोसेस को डीरेल करने की, लेकिन हमारे जिसे कहते हैं जांबाज और हमारे एक एफिशिएंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इस मॉड्यूल को भी, ये जो जितना भी सारा ताना बाना बुना है इसको उखाड़ फेंकेंगे और जिन जो भी इस जघन्य अपराध को करने वाले हैं उनको अपने किए गए कृत्य की उक्त सज़ा दी जाएगी आने वाले दिनों में। भारत की जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, ये हमारे संकल्प को और सुदृढ़ और मजबूत बनाती है और बेफिक्र रहें, इनके जघन्य करने वालों के साथ इंसाफ होगा, कानून अपना प्रक्रिया, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। वो दुर्घटनाग्रस्त होगी उसमें हमारे जो आईटीबीपी के जवान शहीद हुए हैं, इतनी वो मेहनत से सुरक्षा के इंतजाम में रहते हैं, क्या कहेंगे? अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इफ़ आई एम करेक्ट, कि इस दुर्घटना का अभी कॉज नहीं किया गया, लगता है कोई शायद कोई एक्सीडेंट या कोई नेचुरल कॉज ना हो, लेकिन इस जम्मू कश्मीर जैसी दुर्गम परिस्थितियों में पूरे भारतवर्ष से भारत माँ के सपूत और भारत माँ के दिलेर जिसे कहते हैं निडर सपूत, वो भारत माँ का यहाँ पे सेवा करने, भारत की रक्षा करने और ख़ासकर आतंकवाद से लड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, उन सब के साथ मेरी सांत्वना और मेरा जिसे कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस जिन हालात में जम्मू कश्मीर में काम करती हैं, इससे ऐसी हादसों में अनवांटेड जिसे कहते हैं हादसों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पे अंकुश लगाया जाए और कैसे एक जिसे कहते हैं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन एक सेंस ऑफ एक फ्री एंड फेयर एटमोसफियर कैसे दिया गया इनको काम करने के लिए, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर बात बनानी पड़ेगी। किलिंग इन ऑर्चिड इन शोपियां, टू पर्संस वेयर अटैक, वन ऑफ देम हैज डाइड, अनदर इज इंजर्ड, हाउ डू यू सी दिस टारगेट किलिंग? This is utter frustration, despair, and we could say a sense of despondency which has prevailed upon the Pakistani militants, Pakistani handlers, and particularly their bosses sitting across the border in the Pakistan. On one side, you are saying that there are Tiranga Yatras, Tirangas and National Tricolors from Kashmir, Pulwama, Tulel, Lal Chowk people have celebrated and the Independence Day like any independent, in this 75 years Azadi ka Amrit Mahotsav, I think this has been celebrated in Jammu and Kashmir and especially Valley in a record fashion, in a record we could say a turnout, people have come over, people have come with tricolors in their hands and people have celebrated. I think this is an attempt just to derail and just to create confusion on part of the beleaguered, on part of the sideline, on behalf of we could say the dejected militancy handlers, but law will find its own course, and these all criminals, these all murderers, these all people who are out there to disturb peace, they shall be then dealt with sternly, and we will be able to locate them, weed it out, and do appropriate justice to them for the misgiving they have done to the Indian people, to the Indian soil, and particularly the so-called pro-India Kashmiri Pandit community. Incident happened in which an ITPP bus in an accident fell in the gorge, and some of our jawans also lost their life. How do you see this? You see, Jammu and Kashmir is itself a flashpoint, we should admit it. And people from across the country, particularly the soldiers serving in the paramilitary and all security forces, they come with a sense of dedication and with a sense of commitment and with a zeal to serve the country, to guard the frontiers and particularly the fight militancy in this troubled, flashpoint-ridden Jammu and Kashmir. So my heart goes out to the families and to the kith and kin of these people who have laid their lives for the cause of the country in the Jammu and Kashmir. I think we should locate for, and further we should be able to zero in on a policy, a system, a regime where such unwanted incidents don't happen, and the brave sons of Bharat Mata don't lose their lives for no cause, for no fault, and particularly for no reason.